हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ माधुरी सावत और मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो बरसात के टाइम में गाय माता को और फार्म में जो जिधर ज़्यादा बारिश होता है ना उधर मच्छर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो मच्छर मक्खी को कैसे भगाएंगे गौशाला से। तो ये मैं ले आए गोबर और ये जो गाय को खिलाते हैं उसका चारा, और ये है सूखा नीम पत्ता और ये है नीम ऑयल, इसको हम मिलाएंगे। इस सबको अच्छे से मिलाना है, गोबर, गाय का चारा, सूखा चारा और नीम का पत्ता और नीम ऑयल। आपके पास कोई ऐप नहीं है तो भी चलेगा, और नीम ऑयल के बदले करंजी का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और इसका बाटी बनाना, अगरबत्ती बोलते हैं इसको अच्छे से मिला ले नहीं तो ये टूट जाएगा, और छोटा छोटा बाटी बना ले और इसको धूप में सुखा दे। ये सूख जाएगा तो ऐसा बाटी बनाना है जो रात भर जले और गाय को मच्छर मक्खी से सुरक्षित रखे। मैं इसका एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, वो लोग करंजी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे, मेरे पास तो नहीं है लेकिन नीम ऑयल भी नहीं है, तो ये जो मैं दवा लाई थी इसमें भी नीम ऑयल ही है और इसका मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हो गया रेडी और इसको अच्छे से गोल कर दे ताकि ये टूटे ना, और ऐसे ऊपर की तरफ से जिससे स्टैंड हो पाए, नीचे खड़ा हो पाए, ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे मोदक के जैसे, और पूरा इसको ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे सब बना दें और ये हम लोग घर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका स्मेल बहुत स्ट्रांग होएगा क्योंकि ज़्यादा नीम ऑयल डाला है, तो घर के लिए थोड़ा कम नीम ऑयल डालें और थोड़ा जड़ी बूटी मिला सकते हैं, जैसे चंदन का पाउडर, कपूर, इसे जड़ी बूटी मिलाएंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा और अच्छा खुशबू भी देगा। जैसे अगरबत्ती बनाते हैं ना, आप अपने हिसाब से कोई भी खुशबू के लिए डाल सकते, और ये नेचुरल भी है और मच्छर से बचाएगा भी। इसको अच्छे से धूप में सुखा देंगे, फिर इसको रोज एक शाम को लगा देंगे क्योंकि शाम को ही ज़्यादा मच्छर होता है और बारिश का टाइम और ज़्यादा होता है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से रात भर जलाना है तो थोड़ा बड़ा साइज, और थोड़े टाइम के लिए जलाना है तो छोटा साइज जलाए। इसको पहले थोड़ा आग लगा के रख दे, ये अच्छे से आग पकड़ लेगा तो फिर इसको आग बुझा देंगे। ये हो गया मेरा अगरबत्ती, और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना है, और आपको अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ये तो ज़्यादातर गांव के लोग का ही यूज़ में है जिसके पास गाय है, खेती किसान से ही मेरा सब वीडियो बनता है, और आप इससे जुड़े हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हो गया रेडी और इसको हम डालेंगे धूप में, डाल कर लेना है। उफ, गिर गया, और धूप में सुखाना है, बारिश का टाइम है तो अच्छा धूप तो आता ही है, और
इसको बार बार पलटी करके जल्दी सुखा लें।